spicy. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम ग्राउंड नहीं आए थे क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी कि हमारा ग्राउंड ऑफ हो गया यार। सच में यार, इस स्टेडियम ना एक मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे सुबह सुबह योगा भी कर सकते हैं। ये देखो टाइम से, ये सबसे लेट आने वाले व्यक्ति सबसे पहले आती है। आजकल तो मैसेज भी नहीं करती ग्रुप में। आजकल तो पता है रेस्ट का मैसेज तक नहीं करती ये लड़की। तूने पहचाना क्यों नहीं? मैंने ऐसे देखा, सर जी राम राम। देख लो, 5 लोग बैठे हैं भाई एक बाइक में। ले जा इनको। ठीक है, आप सब इनको तो जानते ही होंगे। बेस्ट फ्रेंड कृष्णा चौधरी। जैसे बोला है कि अगर दोबारा आवाज आई तो तुझे ऐसे बोला, तेरी आवाज आई तो ना मैं तुझे वापस भेज दूंगा यहाँ से बाहर। बारिश की वजह से देखो बास्केटबॉल ग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है। हम यहीं खेलेंगे अभी फिर से बास्केटबॉल, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन होता है बास्केटबॉल खेलने का। रितु, ये हमारी रितु है, फास्ट रखती है मंडे का ना, ये फास्ट रखती है मंडे का। मेरे को ऐसा लग रहा है इसको मिला नहीं है ना दूल्हा, तो इसको अच्छे अपने अच्छे पति की कामना है इसकी। इसको तो मिल चुका है गुंजन, इसने फर्जी तिलक लगा रखा है। सुनो, इसने तो फर्जी तिलक लगा रखा है। गीता जी आप भी रख लिया करो राम जी के लिए। सुमन तेरे फास्ट है क्या? मेरी डायरी देखो, देखो 1 महीने की इसने रातों रात लिख ली। बताओ तिलक लग गए मेरे भी। रातों रात लिख लिया क्या? मैंने तो लिख दी पूरी डायरी। मैंने भी लिख दी, शाम को ही लिखी मैंने। अरे मैंने तो परसों ही लिखी थी, आज सुबह की नहीं लिखी मैंने बस। हैं क्या? देखो मेरी डायरी पूरी है भाई, कंप्लीट है डायरी। ये देखो कंप्लीट है मेरी डायरी। टूर्नामेंट जाना है क्या? हाँ जाना है ना, जाना है यार। अनीता ये लड्डू किस चीज के हैं? ये हैप्पी बर्थडे। वाओ अनीता यार, मेरे को बर्थडे बहुत पसंद है। फास्ट में खाने की जगह है, फास्ट में खा। ये वो वाली है, ये तन पूछ ले। हाँ ये, हाँ ये दूध वाली है। रितु मैं भी खाती हूँ इसको फास्ट में। हाँ खा सकते हैं। प्रीति इधर आए, यहाँ क्या खा रहे हम देख। तीज पर आधे दिन की छुट्टी। तो तीज कब है? 8 तारीख को। तो हमको छुट्टी मिलेगी, हम चलेंगे मेला देखने। 11 तारीख को 8 को तुम जाएंगी ना मैच खेलने? तगड़ा वीडियो बनेगा ना वहाँ पे। कहाँ पे? ये चौपड़ में। ये मेरे को एक बात तो, हम खिजा रहे हैं क्या मैच खेलने? चलो एक शेर लगा दे। ये 2 टीम बोल रहे तुम बनाने को, तो बन जाएगी या? एक ही लड़की पूरी नहीं होगी। बात देख, मेरे को देख, ये है ठीक है, उल्टे हाथ से ला लूंगी मैं। रुक रुक, उल्टे हाथ से डालूंगी, उल्टा रुक, सीधे हाथ से डालूंगी, रुक सीधे हाथ से डालूंगी। ठीक है, मौसम इतना मतलब अच्छा हो रखा है ना। देखो बल्ले बल्ले यार, मौसम कितना अच्छा है। और मतलब ये जो बास्केटबॉल का ग्राउंड है ना और हमारा ग्राउंड है, बड़े अच्छे। अभी बारिश आने वाली है थोड़ी देर में, आप नहीं खेल पाओगे। अगर हम खेल पाए फिर तो आ रही बारिश। मौसम देखो, अनीता देख, अनीता हम दोनों नॉर्मल है ठीक है। अब गीता जी देखियो, अब देख इतना देखना पड़ता है, क्या करूँ बता। अपनी बराबर आए थे, बराबर आए थे। कैसे देखना पड़ता है तेरे को? तुम्हें सामने ही देखना पड़ता है। अकुल गीता जी मौसम तो इतना मतलब अच्छा हो रखा है, मुझे लगता है बारिश वारिश तो होने से रही होगी। बारिश ही नहीं, क्या लगता है अनीता, बारिश होगी? गीता जी तेज आएगी, बहुत तेज। पर यार अनीता आपका घर दूर है यार, कैसे जाओगे भीगते हुए? ए भाई याद है हम भीगते हुए कैसे गए थे? डेली जाते हैं, जिस बार नहीं यार, हमारा मन खराब हो जाता है फिर। ये फोटोशूट हो रहा है, ये फोटोग्राफर तो उसमें। चलो खेलते, हमारा मन खराब हो गया। आपका मन भी है, होता है कभी? रोज होता है मेरा। आयुषी तो वैसे ही गिर जाती है दोनों पैरों से नॉर्मल।
चलो आ जाओ खेलते। तू मेरे को खेलना है। ये तो तेरे कितने किलो कम हो गया? मेरा 3 किलो वेट कम हो गया, ये बस 1 किलो वेट और कम कर दे। थाई कितना तेरे में वेट? मेरा 4 किलो कम हुआ है। अब बताओ डाका सर बहुत गुस्से में है। नीरज जी खेल लो ठीक है। मेरा भी 4 किलो हुआ। तू कितनी लीड है बता? 4 की लीड। 4 की लीड है भाई। ये टीम है उधर लेट मर गई है। तू वो देखो ये लड़का वो मेरा बेटा मेरा वही दिखा रही हूं। आई जो सब चले जाएंगे खड़े हो जाओ। रुक जाओ मत जाओ आप। अनीता बता रही तू मेरी बात नहीं। हार तो हारते ही है। जोर से बोल जो थोड़ा ठीक है। हार तो रहे ठीक है लेकिन चिढ़ती इतने चिढ़ती है भाई उनकी टीम तो इतनी चिढ़ती है। पता स्कोर बता दे तू बाकी छोड़। 26-15। अब मेरी बात सुन कभी तो जीत गया अनीता। ये बोली हमने कुछ बोला नहीं ना। अब मैं बोलूंगी हमारे खिलाड़ी है ना मतलब अब देख क्या कर रही है। चल चल बोल हमारे खिलाड़ी है ना ऐसे ध्यान से खेलते तुम्हारे ऐसे चल वो अब हम जीत चुके हैं ठीक है। देखो फोन किस तरफ के पास प्रीति का तो ये लड़की बीमार है। गीता जी ये जो लड़की है इनके साथ हमारा मैच था तो ये हार चुकी है क्योंकि ये हमेशा ही हारती है। कोई नई बात तो है नहीं ठीक है। वॉलीबॉल में तो इनको हराते हैं। गीता जी ये सरासर झूठ है ठीक है। मैं शायद एक दवारी हमारी टीम हारती होगी नहीं तो हमेशा यही हारती है। तो हारती और अभी हमारा स्कोर था रितु क्या स्कोर था हमारा 26 हमारे 26 थे इनके 15। तो गजब बास्केट किया हमने क्योंकि हमारी टीम ही इतनी तगड़ी है यार क्या बताएं। इनके बाद एक्स्ट्रा प्लेयर होने के बाद भी ये हार गए। बारिश हो चुकी है। अब हम घर जा रहे हैं अब हम चिल कर रहे हैं। और हमारे पास 3 हेलमेट। और पता है मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ये पूछना चाहती है मैं तो क्या ही पूछना चाहती हूँ बता। हाँ। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि है ना अगर बाइक पे 5 बंदे हैं और 5 हेलमेट है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। दो यार मैं ये सोच रही थी यार गीता जी बताओ खानदार साहब बताओ। हाँ दो ही बैठ सकते हैं तीसरा नहीं बैठ सकता। अगर तीसरे बंदे के पास हेलमेट हो फिर नहीं बैठ सकता चालान है उसका। अगर उसकी बाइक इतनी बड़ी लंबी हो कि तीसरा बंदा भी आ सके। बाइक होती दो तीन बाइक जुड़ी हुई हो तो दस आदमी दस आदमी हो और 10 हेलमेट हो अभी जैसे प्रीति ने बिठाया था दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हेलमेट पहना है ना आपके हमारे हेलमेट जा सकते हैं सब जा तो रहे हो 7 ही बजे अभी। चलो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।